अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज विंटर ब्रेक एपिसोड में मेरे किचन में बनने जा रहा है स्पैगेटी विद मीट बॉल। आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्पैगेटी विद मीट बॉल, तो मैंने सोचा आज इसकी वीडियो बनाती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है 2 स्लाइस, जिसके मैं कॉर्नर काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। मुझे मीट बॉल बनाने हैं, तो मीट बॉल बनाने के लिए मैं 2 स्लाइस को इसके पहले कॉर्नर काटूंगी और 2 स्लाइस को मैं काट के इसको ठंडे पानी में सोक कर दूंगी। क्योंकि मीट बॉल बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपसे बताती रहूंगी आपको कि आप इसके अलावा भी क्या क्या कर सकते हैं। स्लाइस को हम सोक करके जब हम कीमे में मिक्स करते हैं, तो उससे ये होता है कि कीमे में जब भी हम इसके मीट बॉल बनाते हैं या कोफ्ते बनाते हैं, तो वो काफ़ी टेंडर हो जाते हैं। आप देखते हैं अक्सर कि कोई भी कोफ्ते बनाते हैं तो बाज़ लोग के कोफ्ते बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो अगर वो इसमें 2 स्लाइस डाल दें तो उनका वो जो कोफ्ते या मीट बॉल है वो बहुत टेंडर बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो हम जब ब्रेड डालते हैं तो उससे वो कोफ्ते जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन ब्रेड से जो है वो कोफ्तों में बाइंडिंग आ जाती है, उससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं। हम अक्सर जो है कोफ्तों में इस्तेमाल करते हैं भुने हुए चने, हम पीस के इस्तेमाल करते हैं, या बेसन को हम फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप स्लाइस को इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो इसके लिए आप भुने हुए चने ले सकते हैं। हाफ कप जो है वो भुने हुए चने ले लें, आप उनको जो है वो पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, या तकरीबन 3 से 4 चमचे जो है आप बेसन को जो है वो फ्राई कर लें, आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 स्लाइस को सोक करके एक तरफ रख दिया है। अब एक तरफ मैं दूसरे पैन में क्या कर रही हूँ कि पानी बॉईल हो रहा है, इसमें 450 ग्राम मेरे पास एक पैक है स्पैगेटी का, वो मैं इसमें बॉईल करूँगी। इसमें पहले मैं 2 चमचे नमक डालूँगी बॉईल पानी में, और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऑयल डालूँगी, 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून सॉल्ट चला गया इसमें। अब मैं स्पैगेटी का पूरा पैकेट जो है वो इसमें डाल दूंगी बॉईल करने के लिए। तकरीबन इसमें हमें 15 मिनट लगते हैं, 15 से 18 मिनट इसको बॉईल करने में लगते हैं। जब ये बॉईल हो जाएं तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और ऊपर से इस पर ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से जो इसकी बॉइलिंग कंडीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो और इससे ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं, स्टिक भी नहीं होते। तो जब हमारे ये नूडल्स स्पैगेटी बॉयल हो जाए तो हमें इस पर ठंडा पानी ज़रूर डाल देना चाहिए, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। हमारे स्पैगेटी बॉयल हो रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 450 ग्राम मेरे पास कीमा था बीफ का, मैंने बीफ का कीमा लिया है, देख सकते हैं आप मेरे बॉल में बीफ का 450 ग्राम कीमा है। और जो मैंने 2 स्लाइस जो है वो सोक किए थे पानी के अंदर ठंडे पानी में, वो मैंने लिए हैं, और 2 चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अभी तक मैंने क्या लिया है, कीमा लिया है, 2 स्लाइस लिए हैं और 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें 1 चमचा जो है वो लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, हम कीमे को मैरिनेट कर रहे हैं। 1 चमचा नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, हम इसको सिंपल मसालों से मैरिनेट कर रहे हैं, इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे, और बस 1 चमचा मैं इसमें गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। हम मीट बॉल के लिए कीमा को मैरिनेट कर रहे हैं, 1 चमचा ऑयल डाला मैंने। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, कीमे की अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं, अगर आपको ये डर है कि आपके जो मीट बॉल्स हैं वो टूट जाते हैं फ्राई करने के दौरान या पकाने के दौरान, आपके मीट बॉल्स जो है वो टूट जाते हैं, तो आप ऐसा करें इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं आप, या तो आप एक अंडा डाल लीजिए, या 2 चमचे आप इसमें बेसन को भून के शामिल कर सकते हैं, उससे आपके ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं। मैंने अभी ना इसमें अंडा डाला है ना ही बेसन डाला है, बस मैंने ये सिंपल मसालों से इसको मैरिनेट किया है। अब देखें मैं इसके कोफ्ते बना रही हूँ, हम इस तरह से हाथों में ले लेके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे इसके। आप जिस साइज़ के चाहें कोफ्ते बनाइए, आपको जैसे पसंद हो। ये देखिए मैंने कोफ्ता बना लिया है, इस तरह मैं एक एक करके सारे कोफ्ते बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए, मैंने इसमें सिंपल मसाले ही डाले हैं सारे।
लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको डर लगता है कि आपके कोफ्ते टूट जाएंगे तो आप इसमें एक अंडा शामिल कर सकते हैं। अंडों से भी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए 2 स्लाइस इस्तेमाल किए हैं सोक करके। ये देखिए मैंने तमाम कोफ्ते बना लिए हैं। इसमें एक छोटा सा भी कोफ्ता आपको नज़र आएगा क्योंकि आखिर में मेरा कीमा थोड़ा सा बच गया था। अब मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, 1/2 कप ऑयल है इसके अंदर। अब मैं कोफ्तों को जो है वो किसमें कोट कर रही हूँ, इसको कॉर्नफ्लोर में कोट कर रही हूँ। मैं एक एक करके कोफ्तों को कॉर्नफ्लोर में कोट करूँगी और ऑयल में डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। कोशिश करिएगा कि आप नॉन स्टिक की कढ़ाई लें ताकि कोफ्ते चिपके ना उसमें। तमाम कोफ्ते मैंने इसमें एक एक करके डाल दिए हैं, अभी थोड़े से बाकी भी हैं, जितने इसमें आ सकते हैं वो मैंने डाल दिए हैं और मैं इसको एहतियात के साथ इसको फ्राई करके निकाल लूँगी बाहर। इस तरह से हमें तमाम कोफ्तों को फ्राई करना है। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं कोफ्तों को। मैंने कॉर्नफ्लोर में कोटिंग इसलिए की थी ताकि ये कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं और सही रहें, जुड़े रहें। लेकिन आपको ये काम ज़रा एहतियात से करना है और इसको एकदम से इसको टर्न नहीं करना, ना कोफ्ते जो है वो टूट भी सकते हैं। इस तरह हम तमाम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है और हम इस पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है इसके अंदर। ऑयल के अंदर मैंने एक प्याज जो है मीडियम साइज़ की जो है रफली चॉप कर ली थी, ऑयल में शामिल कर दूंगी प्याज को मैं। प्याज को ऑयल में हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। इसको हमें ब्राउन नहीं करना बल्कि हमें इसको पिंक रखना है, सौते करना है प्याज को, इतनी कि ये पिंक हो जाए। मैं प्याज को जो है वो फ्राई कर रही थी। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है प्याज के अंदर और मैं इसको इसमें फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ। 2 टोमेटोज मैंने जो है वो ब्लेंड कर लिए थे, 2 टोमेटोज में शामिल कर दूंगी मैं और प्याज और लहसुन के साथ टमाटर को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें इसको थोड़ी देर फ्राई करना है। देखिए मैंने थोड़ी देर हो गई है इसको मुस्तकिल मैं इसमें इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को मैं इनमें जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल मसाले डाले हैं, मिर्च और नमक। इसमें हमने प्याज शामिल की थी, लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट था हमारे पास और टोमेटो मैंने 2 जो ब्लेंड किए थे वो डाल दिए थे और मिर्ची और नमक। अभी तक हमने ये सिंपल मसाले इसमें लिए हुए हैं, इनको मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई किया है। अब जो कोफ्ते मैंने फ्राई करके रख लिए थे वो कोफ्ते मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसाले को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, अब मैं कोफ्ते इसमें शामिल कर दूंगी ताकि मसाला जो हम इस मसाले को जो कुक करेंगे आगे तो उसमें हमारे कोफ्ते भी जो है वो साथ साथ कुक हो जाए। क्योंकि कोफ्ते जो है वो अभी तक हमने सिर्फ फ्राई किए थे लेकिन अंदर से ये पके हुए नहीं थे, तो हम इसको मसाले के साथ ही इनको कुक करेंगे। कोफ्तों को हम 10 से 15 मिनट तक इन मसालों के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको कुक करेंगे। इसको हमने ढक दिया है, कवर कर दिया है, अब ये 10 से 15 मिनट कुक होंगे। तो व्यूअर्स, जब ये मेरे कोफ्ते कुक हो गए थे तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं। इसमें एक छोटी गाजर थी जो मैंने लंबी लंबी काट ली थी, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर डाला है इसके अंदर और मैंने कुछ सॉसेस भी डाल दिए इसके अंदर। जब मैं ये सॉसेस और बेल पेपर डाल रही थी तो मैं वीडियो का बटन ऑन करना भूल गई थी, तो ये चीज़ें मुझसे वीडियो से मिस हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया है। इसमें मैंने शिमला मिर्च ली है 1 छोटी, 1 छोटा मैंने रेड बेल पेपर लिया है, 1 छोटी मैंने येलो बेल पेपर लिया है, 1 छोटी गाजर ली है मैंने, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और 1/2 कप मैंने इसमें कैचअप शामिल किया है। अब मैं 2 चम्मच इसमें विनीगर डाल रही हूँ, सिरका डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। अब इन तमाम मसालों को और इन सब्जियों को हम अच्छी तरह से इसमें इसको हिला हिला कर कुक करेंगे। मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं जो मैंने इसमें शामिल की हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। जो सब्जियां मैंने डाली थी वो मैंने आपको बता दी और मैंने इसमें सॉसेस शामिल किए हैं, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, केचप मैंने 1/2 कप लिया है इसमें और मैंने आपके सामने विनीगर डाला है और काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है।
इन तमाम चीज़ों को हम कोफ्तों में डाल के अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे। मसाला हमारा देखिए भुना हुआ था, मैंने उसमें तमाम सॉसेज डाल दिए थे। अब इनको बहुत एहतियात के साथ हमें कुक करना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। थोड़ी सी देर हमें पकाना है, थोड़ी सी देर, क्योंकि हमारे कोफ्ते भी कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें बॉयल स्पैगेटी शामिल कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखी थी स्ट्रेन करके। अब हम इसमें स्पैगेटी शामिल करेंगे, लेकिन स्पैगेटी को हम हाफ ऑफ करके थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और बहुत एहतियात के साथ हमें इसमें मिक्स करना है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। हमें बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता हाथों से हमें इसको मिक्स करना है। जिनको ये डर है कि उनके कोफ्ते टूट ना जाएं, तो वो ये भी कर सकते हैं कि कोफ्ते निकाल के पहले वो बाहर रख लें और मसाले में स्पैगेटी को मिक्स कर लें और बाद में इसमें कोफ्ते शामिल कर लें। आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने इसमें 2 स्पून यूज़ करूँगी इसको मिक्स करने के लिए। पहले मैं 1 स्पून से इसको मिक्स कर रही थी, फिर मैं इसको 2 स्पून ले लूँगी। ये देखिए एक स्पैगेटी का स्पून है और एक सिंपल स्पून है, इन दोनों से मिला के देखें, इसको मिला के इस तरह से खींच खींच के मैं इसको मिक्स करूँगी। बस ये अमल आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है ताकि आपके कोफ्ते टूटे नहीं। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको ये डर लगता है कि आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, तो पहले आप मसाले से कोफ्ते निकाल के अलग कर लीजिए और मसाले में स्पैगेटी को मिक्स कर लीजिए, फिर बाद में इसमें कोफ्ते शामिल कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि स्पैगेटी और मीट बॉल्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ, लेकिन बहुत एहतियात के साथ इसको डिश में निकालना है। पहले हम स्पैगेटी को अपने डिश में निकालेंगे, सर्विंग डिश में, जो भी आप लें, सर्विंग प्लेट है या डिश है, जो भी। पहले आप स्पैगेटी को निकालेंगे, फिर उसमें मीट बॉल्स को निकालेंगे। तो व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से स्पैगेटी विद मीट बॉल्स तैयार हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर उसको शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगेबान।